पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी की पीपलसाना में चल रही जनसभा के दौरान पुलिस के पहुंचने पर हंगामा हो गया। दरोगा और कांग्रेसी नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस परमिशन के बावजूद जबरन सभा को खराब करने का प्रयास किया गया है। भोजपुर के पीपलसाना प्राथमिक विद्यालय गेट के पास देर रात कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी की चुनावी सभा चल रही थी। प्रत्याशी भी इसमें मौजूद थे। उसी दौरान दरोगा के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां पहुंच गई। मंच के पास पहुंचकर दरोगा ने अनुमति दिखाने को कहा तो पता चला अनुमति की कॉपी परमिशन लेने वाले कांग्रेस नेता इस्तखार अंसारी के घर पर है। नेताओं ने समय मांगा तो दरोगा भड़क गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में जमकर नोकझोंक हुई। मौके पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। बाद में व्हाट्सएप पर परमिशन की कॉपी मंगा कर दिखाया गया, जिसके बाद पुलिस वापस लौटी। इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 5 जगह कार्यक्रम की परमिशन थी, इसके बावजूद भोजपुर के पीपलसाना में पुलिस ने सभा में खलल डाला। आरोप लगाया कि जानबूझकर प्रशासन कांग्रेस प्रत्याशी की सभा प्रभावित कर रहा है। कांठ में भी ऐसा ही हुआ था। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी, अगर कार्यवाही नहीं की गई तो कार्यकर्ता धरना देने को मजबूर होंगे। पुलिस का कहना है कि केवल अनुमति दिखाने को कहा गया था, इस पर कांग्रेसी नेता जबरन उलझने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस की माने तो उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ अपना काम कर रही थी और नेताजी पुलिस पर अनेकों आरोप लगा रहे हैं। कर रही है। अभी कांठ में हमारी जनसभा थी, हमारे पास प्रॉपर परमिशन था रविदास धर्मशाला में, और हमारी सभा चल रही थी कि पीछे से आकर के हमारे कार्यकर्ता जो उस कार्यक्रम के संयोजक भी थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं रामस्वरूप जाटव जी, उनको पुलिस चुपके से पीछे से बुला करके उठा ले गई। मजबूरन हम सबको थाने जाना पड़ा, उसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा माफी मांगते हुए। आज इसी तरह से आपने देखा कि हमारे पास प्रॉपर परमिशन है इस कार्यक्रम की। इफ्तिखार अंसारी साहब इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। पुलिस के अधिकारी आकर के किस भाषा में बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग से हम अनुरोध करेंगे कि ऐसे विशेष पार्टी के लिए काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले चुनाव आयोग।
वरना हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ेगा। यह इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंटने का काम किया जा रहा है मुरादाबाद की पुलिस के जरिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम संवैधानिक कार्यक्रमों के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर परमिशन है। हमारे 25 से 30 मिनट बर्बाद किए गए इस सभा में। डर गए हैं ये लोग, भाजपा के लोग हमसे, कांग्रेसियों से डर गए हैं ये लोग। हमें बोलने नहीं देना चाहते, हमारी आवाज दबा देना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं। हम लगातार बोलते रहेंगे, हम इनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मुरादाबाद की जनता हमारे साथ है, ये हुजूम हमारे साथ है। अंदाजा लगाइए कि अनुमति देखने के बाद चुपचाप वापस लौट गए या नहीं लौट गए। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ, आप इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे, आपने भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद हमारे कार्यक्रम में टाइम खत्म करना था। वो 10 बजने तक हमारे कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना चाहते थे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। हम जिला प्रशासन से और चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि कृपया इस तरह की हरकतों पर आप रोक लगाएं, वरना तमाम कांग्रेसी परिवार को इसके लिए सड़कों पर